पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लखनऊ में चल रहा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता उत्तर प्रदेश का अनिश्चितकालीन धरना 20वें दिन भी जारी रहा। सभी ने मांग करते हुए कहा कि 34 माह के बकाया केंद्रांश का तत्काल भुगतान किया जाए, साथ ही 9 माह के बकाया राज्यांश का भी भुगतान करने की सभी के द्वारा मांग की गई है। सभी का कहना है कि केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाली मदरसा आधुनिकीकरण योजना में कार्यरत उत्तर प्रदेश के 8584 मदरसों में 25,500 मदरसा आधुनिक शिक्षक कार्यरत हैं, जो लगभग 10 लाख बच्चों को आधुनिक विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर आदि की शिक्षा प्रदान करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है कि आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाले इन मदरसा आधुनिक शिक्षकों को पिछले 34 महीनों से फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है, जिसके कारण उनके सामने गंभीर संकट आ पहुँचा है। शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और आर्थिक तंगी के कारण कई शिक्षकों ने आत्महत्या, हार्ट अटैक और इलाज के अभाव में मृत्यु भी हो चुकी है। 26 सितंबर 2018 को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग में बकाया मानदेय भुगतान के लिए 358 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार की नूरा कुश्ती के बीच आज तक वो रकम जारी नहीं की गई। और मैं मदरसा टीचर्स यूनियन से राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और आज हमारे प्रोग्राम आज 20वां दिन है हमारे धरने को चलते हुए। आज सैयद मोहम्मद अशरफ साहब तशरीफ लेकर आए और धरने को संबोधित किया है। और बड़े अफसोस की बात है, 20 दिन में सरकारी कोई भी नुमाइंदा धरने पे नहीं आया और यहाँ पर 34 में हमको तनख्वाह नहीं मिली है और हाथ से इसकी नुमाइंदगी करते हुए बहुत जल्द इसमें हम लोग हल कराने के लिए सी एम को आश्वासन दिया है कि जल्दी बात करेंगे। और अब पता से शिक्षकों के लिए वक्त निकाला हमारे लिए बेहतर है और इंशाल्लाह हम लोग धंधा चालू रखेंगे और जब तक हम लोग जब तक हमारा केंद्र का मामला हल नहीं होता है धंधा जारी रहेगा। मैं इस मंच से प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार के तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि सबके विकास में क्या मदरसा आधुनिकरण शिक्षा संघ जैसे जो शिक्षक हैं क्या वो शामिल नहीं है। क्या वजह है कि 35 महीने से ये भूख का सामना कर रहे हैं? आखिर इनकी खता क्या है कि अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये देश के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, उस ज़रूरत को जिससे देश को तरक्की मिलेगी। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी देश उस वक्त तक तरक्की याफ्ता देश नहीं कहलाता जब तक कि उस देश का हर इंसान तालीम याफ्ता ना हो जाए, पढ़ा लिखा ना हो जाए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले लोग आज भूख का सामना कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है कि जहाँ पर करोड़ों रुपया लेकर इस मुल्क से लोग भाग जा रहे हैं और उन्हें फिर से लोन देकर उनकी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की जा रही हैं, कि देश कंक्रीट का नहीं होता, देश इंसानों से बनता है, देश शिक्षा से बनता है, अच्छे संस्कार से बनता है। ये उन लोगों की समस्या है जो शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, जो गंगा जमनी तहजीब जो हमारे देश की सबसे मजबूत धरोहर है उसको ये सेफ करते हैं, ये इन्हीं के हाथों में है। क्यों इन्हें भूखा रखा जा रहा है? क्यों इन्हें परेशान किया जा रहा है? क्यों नहीं इनकी तरफ देखा जा रहा है? क्यों नहीं इनकी बात सुनी जा रही है? मैं चाहूँगा कि इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। इनकी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि जिसे हल ना किया जा सके, बस सिर्फ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। यहाँ से अपील करता हूँ दोनों सरकारों से, प्रदेश सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी, कि इस तरफ तवज्जो दें और इस मसले को हल करें, वगरना जब शिक्षित भूखा रहेगा तो शिक्षा कहाँ से देगा। अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ अल्पसंख्यक की बात ही नहीं है, शिक्षा की बात है। जब बात को सही तरीके से रखा, मैंने तो यहाँ गंगा जमनी तहजीब जो सूफी संतों की विचारधारा से पैदा हुई उसका नज़ारा यहाँ किया है। यहाँ शर्मा जी भी मौजूद हैं, वर्मा जी भी मौजूद हैं, अहमद भी मौजूद है और फजलुल्लाह भी मौजूद है। यही तो है गंगा जमनी तहजीब। ये अल्पसंख्यक का मामला नहीं है, ये शिक्षा का मामला है, शिक्षक का मामला है। इसी नज़रिए से इसे देखा जाए, पर्टिकुलर किसी कौम, कास्ट या रिलीजन के नज़र से न देखा जाए।